आगे बढ़ते हैं और खोखर बरादरान का जिक्र करते हैं कि जिस पर ज़मीनों पर कब्जे का मामला है। मुद्दई तफ्तीश के लिए दौरान पेश नहीं हुए और अफजल खोखर ने सेशन कोर्ट में दायर दरख्वास्त जमानत वापस ले ली है। खोखर बरादरान पर ज़मीनों पर यह कब्जे का मामला है और मुद्दई तफ्तीश के दौरान पेश नहीं हो रहा। इस बारे में तफसीलात क्या है, अरशद अली हमें बताएंगे। अरशद अली बताइए इस बारे में। जी नहीं, एडिशनल सेशन जज शहजाद रवा ने अफजल खोखर और उसके साथ साथ सैफुल मलूक खोखर की दरख्वास्त जमानत पर जो है वो केस की समाप्त की है। अदालत के रूबरू दोनों भाई जो है वो अदालत में पेश हुए। तहम जो है तफ्तीशी अफसर ने अदालत में जवाब दिया कि जो मुकदमे का मदई है वो अदालत में पेश नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो है वो ताखीर तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो रही, जिस पर जो है वो अदालत ने ये हुक्म दिया कि अगर दरख्वास्त जमानत जो है वो कन्फर्म कर दे, जिस पर जो है वो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुझे कोई इस पर इतराज नहीं है। जिस पर जो है वो अफजल खोखर ने जो है वो अपनी दरख्वास्त जमानत वापस ले ली है, जबकि सैफुल मलूक खोखर की दरख्वास्त पर जो है वो अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। तीनों भाइयों के खिलाफ जमीनों पर कब्जा करने का केस था, जिसका जो है वो मुकदमा थाना नवा फोर्ट पुलिस ने दर्ज किया था। जी शुक्रिया।